अ वेरी गुड इवनिंग टू गाइज, वेलकम टू टारगेट ऑन फैमिली। दोस्तों टारगेट ऑन परिवार पे मैं आत्म मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ हॉरिफिक सेशन गाइज। दोस्तों एज यू नो इन लास्ट ऑफ वन ऑफ माय लास्ट लेक्चर्स दोस्तों मैंने आपको दिया था टर्मिनोलॉजी ऑफ पियाजे एंड नाउ आई हैव टेकन सर्टेन क्वेश्चन ओवर दिस टॉपिक। दोस्तों कुछ प्रश्न है इस टॉपिक पे एंड बिलीव मी यू हैव टू स्कोर बेटर देन यू स्कोर्ड इन लास्ट अटेम्प्ट। पिछले प्रयासों में दोस्तों जो भी स्कोर किया आपने, उम्मीद करता हूं उस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा उस सेशन को। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। बहुत मजे से दोस्तों शुरू करिए। क्या कह रहा है एक बच्चे, दोस्तों क्या एक बच्चे के पिता का बच्चे को कहना कि यह शिमला मिर्च है, लेकिन बच्चे का इसे शिमला मिर्च न मानकर यह कहना यह शिमला मिर्च नहीं कैप्सिकम है, पियाजे के अनुसार क्या है। दोस्तों ऑप्शन ए जीववाद, आत्म केंद्रितता, अविलोमीयता, संरक्षण। मैं दोस्तों जानता हूं आपको इतना मजा आएगा दोस्तों, यह एक रियल घटना पर आधारित है। दोस्तों हम लोग दोस्तों एक फ्रेंड से मिले सीतामढ़ी, दोस्तों बहुत दोस्तों पुराने कॉलेज फ्रेंड थे, और दोस्तों मैं और उनका बेटा और वो हम लोग कुछ दोपहर का टाइम था, कुछ खा रहे थे, अचानक खाने में शिमला मिर्च आया। दोस्तों बिल्कुल गाइज, एंड द आंसर्स ऑफ कोर्स गाइज आपके उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों एक बार देखिए यार, अजीब बात है। सो आप हंसोगे यार, आप हंसोगे, मैं आपको हंसी बताते हुए मुझे बहुत हंसी आ रही, मैं कंट्रोल कर रहा हूं कम से कम हंसा जाए। दोस्तों एक्चुअली हम लोगों ने कुछ मंगाया था, शायद मंचूरियन या कुछ मंगाया था जिसमें शिमला मिर्च के टुकड़े थे। तो उन्होंने कहा मोनू ये क्या है, तो उसने कहा पापा ये कैप्सिकम है। नो 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 बेटा, इसको हिंदी में शिमला मिर्च बोलने का। नो नो पापा, हिंदी में नहीं बोलने का, दिस इज कैप्सिकम, ये कैप्सिकम है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने चार पांच बार कहा, उनका बच्चों पांचों बार मना कर दिया, अंत में शर्मा गए कि यार आरपी के सामने लग रहा है हमको झेपना पड़ेगा, अंत में उन्होंने छोड़ दिया। यह कहलाता है दोस्तों, बिल्कुल सही हम लोग पढ़ चुके हैं, यह कहलाता है बच्चा सिर्फ अपनी सुनता है। भैया मेले में लिवा के गए हो, सारा पैसा तुम्हारा मेले में खत्म हो गया, अब तुम कह रहे हो मोनू पैसा नहीं, नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए बेटा कल, नहीं मुझे अभी चाहिए। मिट्टिया में लौटने लगता है, कई बार कीचड़ उचड़ भी लौट जाता है। बच्चा दोस्तों सिर्फ अपने नजरिए को ही सही समझता है, बच्चा दूसरे के नजरिए को नहीं समझता। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, स्वार्थीपन को बोलते हैं, क्या आत्म केंद्रिता, एंड ईगो सेंट्रिज्म इज द राइट आंसर। इसके लिए आप इसे समझ गए हैं, फिर आगे चलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, पांच वर्षीय तनुजा का अपनी बड़ी बहन को यह कहकर चिढ़ाना कि दादाजी ने उसे ज्यादा जूस दिया है और उसकी बहन को कम जूस दिया है, लेकिन यह न समझ पाना कि उसका गिलास ज्यादा लंबा लेकिन चौड़ा कम है, जबकि उसकी बहन का गिलास चौड़ा ज्यादा और लंबा कम है, पियाजे के अनुसार क्या है। ऑप्शन ए जीववाद, आत्म केंद्रितता, केंद्रीकरण, संरक्षण। तो आपने देखा होगा जूस वाले, बर्तन वाले और जूस वाले प्रश्न दोस्तों बहुत ही तेज आते हैं। सीटेट में आपने देखा होगा कई ऐसे प्रश्न आए हैं दोस्तों, ये प्रश्न वैसे मैंने खुद लिखा हुआ है। दोस्तों जब आप इसको, जब आपको दोस्तों ये एक मॉडल, चलिए मैं इसे एक सैंपल क्वेश्चन मान रहा हूं, मतलब इस टाइप के एक प्रश्न को आप इसको मॉडल मानो कि इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं तो आपका यही उत्तर होगा। कीप ऑन आंसरिंग गाइस, बहुत तेजी के साथ उत्तर भेजिए और फिर आपको दोस्तों लगेगा यह वास्तव में एक शानदार प्रयास है जो आपके लिए किया गया है। बिलीव मी, आई एम सीरियस अबाउट दैट। हां आई दोस्तों, यस करे गुरु जी, हां सर पिछली क्लास में आपने ही पढ़ाया था। यहां दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हैं, इसके लिए क्लियर है। यहां दोस्तों ये बच्ची क्या कर रही है, मैंने आपको पासवर्ड क्या बताया था, याद करिए मैंने आपको पासवर्ड बताया, इसको ऐसे याद करिए, क्या एक वृत्त का एक ही केंद्र हो सकता है, दिस इज कॉल्ड केंद्रीकरण। सो फिलहाल हम यहां इसे निगेटिव अर्थ में ले रहे हैं। यहां इस बच्ची के साथ हो क्या रहा है, ये बच्ची दोस्तों छोटी है, लिखा क्या है, अब आप समझ गए हैं कि इसकी उम्र क्या होगी, बात तो आप खुद ही समझ गए होंगे ये किस अवस्था में आता होगा। वैसे अगर आप मुझे अवस्था लिखेंगे मुझे बहुत गेस करिए इस उम्र की बच्ची किस अवस्था में आएगी। दोस्तों ओपन क्वेश्चन हो गया, एकदम खुला प्रश्न हो गया। चलते दोस्तों क्या आई अगला कह रहा, क्या अब यह, अब जरा समझो वृत्त का एक ही केंद्र होता है, यहां दोस्तों दोनों ही बहनों के ग्लास में जूस बराबर है, पर छोटी बच्ची लंबैया देख रही है, इसका ग्लास सकरा है। सो गेस करिए क्या, जैसे एक गेस करिए क्या, यस सो ये देखिए
इनका ग्लास यू भरा हुआ है, बहन जी का ग्लास भैया चौड़ा ज्यादा है लंबा कम है, दोनों में जूस बराबर है, पर सिर्फ लंबाइये देख रही है चौड़ाई नहीं देख रही है। एक समय में यशकर गुरु जी आप खूब बताए हैं क्या, एक समय में किसी घटना या वस्तु के एक ही बिंदु पर फोकस करना, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रेशन कहते हैं, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। और बिल्कुल सही आपने बताया, और सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 200 नेक्स्ट पर, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, यस आइए अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, देन आइए ओके यस गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला प्रश्न देखेंगे, इसको आइए अगला प्रश्न ओके अगला। अब दोस्तों एक आम भाषा में सुनिएगा, हाँ कह रहा है एक गिलास को कप बना देने के बाद बच्चे का गिलास तक वापस न पहुंच पाना पियाजे के सिद्धांत में क्या कहलाएगा, जीववाद, आत्म केंद्रियता, अविलोमीयता, संरक्षण का भाव गाइस। दोस्तों मैंने ही आपको बताया था खूब, दोस्तों ये आपको बहुत बढ़िया से मैंने आपको बताया, और मैं चाहता हूं कि आप उत्तर दे जाए, और मैक्सिमम दोस्तों मेरा एक ही प्रयास है कि आप में से मैक्सिमम लोग सही उत्तर दे दोस्तों सही। और इसको दोस्तों इस वीडियो को पाने के बाद दोस्तों क्या, इस सेशन को देखने के बाद आप एक कहो हां सर हमने वर्ड्स पे काफी कंट्रोल बना लिया है, वैसे दोस्तों इसका एक पार्ट और रिलीज करूंगा आगे इसी तरह से टर्मिनोलॉजी दोस्तों, मतलब मैक्सिमम क्योंकि आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं पियाजे के वर्ड से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या कर रहा है, एक गिलास को कप बना देने के बाद बच्चे का दोस्तों हमने बोला था दोस्तों क्या आगे बढ़ के, दोस्तों देखिएगा ये जानबूझ के क्वेश्चन मैंने ऐसा कवर किया है क्या, आगे बढ़कर पीछे न लौट पाना, तो यही क्या है, यही अविलोमीयता है। पर क्योंकि आकृति में बदलाव होने पर पुरानी आकृति को न समझ पाना दोस्तों संरक्षण का अभाव है। अब आप बोलो गुरु जी आप दूसरे उत्तर का है बता रहे हो, क्योंकि दोस्तों जानबूझ के क्वेश्चन मैंने इसे बनाया क्या, अविलोमीयता का ही एक हिस्सा है क्या, संरक्षण का अभाव पर एक अंतर है, जैसे वह बनाने के बाद क नहीं बना पाए, क बनाने के बाद वापस वह नहीं बना पाए, बी बनाने के बाद वापस पी नहीं बना पाए, तीन दो जोड़कर पांच लाने पर वापस दो तीन नहीं ला पाए, ये सब अविलोमीयता है। पर दोस्तों अगर सिर्फ आकृति जैसे कप और ग्लास आकृति बनाने पर वापस न लौट पाना दोस्तों संरक्षण का भाव है, तो यहां उत्तर तो दोनों होगा, पर अगर हम देखें कि सिर्फ आकृति पे कौन आता है तो हमारा उत्तर डी होगा सी नहीं। पर दोस्तों क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूं यहां दोनों ही उत्तर होगा, क्यों, क्योंकि संरक्षण का अभाव भी आता है किसमें, अविलोमीयता। आई होप यू अंडरस्टैंड, यस ओके डन करेंगे, गुरुदेव क्लियर है, फिर आगे चलेंगे सही ओके। दोस्तों हो क्या रहा, देखिएगा होता क्या, मैं क्या चाहूंगा एक बार दोस्तों आप देखिएगा बहुत मजा आएगा क्या दोस्तों होता क्या, जैसे बच्चा दोस्तों पियाजे, मैंने आपको दोस्तों लास्ट लेक्चर में समझाया क्या, पियाजे ने कहा बच्चा बेवकूफ नहीं है, बच्चा तो बल्कि उल्टा वैज्ञानिक कहा उन्होंने, भैया बच्चा तो एक वैज्ञानिक है, दोस्तों निगाह गड़ा है किस पे, ग्लास पे, तो बेवकूफ हाँ हाँ पापा मैं समझ रहा हूं ग्लास है। अब अचानक आपने भैया एक हैंडल लगा दिया, जब हैंडल लगा दिया थी कप बन गया, वैसे लगा ऊपर से लगा दिया बाल्टी बन गई, अब आप पूछो बेटा बेटा ग्लासवा कहां गया, अंकल अब मुझे कप दिख रहा है, दोस्तों आगे जाने पर उसकी प्रॉब्लम है, आकृति में थोड़ा भी छेड़खानी होने पर मूल आकृति को भूल जाना संरक्षण का दोस्तों क्या है, अभाव है। डन कर खासा क्लियर है, आइए ओके अगला ओके। कह रहा है सोनू का दोस्तों, बहुत ही मजा आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही मजा आ जाएगा क्या, सोनू का मोनू से यह कहना कि उसके पिता के कहने से बारिश होने लगती है पियाजे के सिद्धांत में से क्या कहा जाएगा, प्रतीकात्मक खेल, जीववाद, कृत्रिमता, पारगमनात्मक चिंतन। यस करे गुरु जी खूब बढ़िया बताए हैं, मैं चाहता हूं दोस्तों इसको अपने अंतःकरण में उतार रहे, इसे अपने दोस्तों पियाजे है ट्रबल्ड सो मेनी गाइज इन सीटेट। हां अगर दोस्तों मैं सीटेट की बात करूं तो पियाजे ने हजारों लोगों को लाखों लोगों को कंफ्यूज किया दोस्तों, लाखों लोगों को अब तक कंफ्यूज किया है दोस्तों, मैंने आपको ये बहुत बढ़िया बताया है। यस करे गुरु जी क्लियर है दोस्तों, याद करिए बचपन में दोस्तों ऐसा बहुत, मैंने दोस्तों आपको क्या बोला था, क्या है भैया अब बता दोस्तों अब क्या है, अब पापा भीगते हुए आ गए हैं दोस्तों, पापा भीगते हुए आए हैं, बच्चा नहीं समझ पाता, तीन चार साल का बच्चा कालिदास, पापा गए कमरे में कपड़ा वड़ा उतार के एकदम रेडी हो गए, बाहर बारिश हो रही है, खिड़की उड़की बंद है। यस करे गुरु जी आपने समझा, खिड़की उड़की बंद है, बढ़िया सुन लो, मैं चाहता हूं उसको बार बार सुन लो ताकि दोबारा इसमें धोखा ही ना हो। अब बच्चे को मालूम नहीं कि बारिश हो रही है, अब मोनू पापा आराम से लेटे हैं, मोनू मैं मैजिक करूं, हाँ पापा टेढ़ो,
मैं मैजिक करूंगा, बारिश होने लगेगी, हैं बारिश होने लगेगी, कराओ ना मैजिक कराओ, खिड़की खोल दी, जग 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 बारिश, मैजिक मैजिक। अब उसे क्या पता है गधे को बारिश पहले से हो रही थी। यह कृत्रिमता कहलाता है दोस्तों। क्या सभी लोग बिल्कुल गाइस सी इज द राइट आंसर। क्या बच्चे को लगता है कि प्राकृतिक घटनाएं प्रकृति नहीं मानव करा रहा है। मेरे दादाजी के कहने पे आधी आती है, ये देख रहे हो बादल देख रहे हो ना व्हाइट व्हाइट, हाँ कल मेरे पापा ने इसे पेंट किया था, व्हाइट पेंट किया था, उनके पापा ने बादलों को पेंट किया है। बच्चे द्वारा यह सोचना कि प्राकृतिक घटनाओं का जिम्मेदार मानव है, तभी तो, अगर प्राकृतिक होता तो प्राकृतिक होता, मानव निर्मित को क्या बोलेंगे, कृत्रिमता। यस कह गुरुदेव समझ गए, अजीब एक कहानी है गाइस, अजीब कहानी है। यस करें यहां से क्लियर, ओके राइट फ्रॉम द लेक्चर गाइस। आगे क्वेश्चन नंबर 100 नेक्स्ट कर क्या, अब अजीब एक कहानी सो, ये क्वेश्चन भी देखिए क्या कह रहा है। एक बच्चे द्वारा यह कहना, एक बच्चे का यह कहना कि कुत्ते के भौंकने के कारण पंखा चलने लगा, पियाजे के अनुसार यह क्या है। अब लो भैया कहानी सोचिए गाइस, मतलब जब भी मैं पियाजे, इतने लेक्चर में पियाजे पे ले चुका हूं, जब भी दोस्तों मैं पियाजे पढ़ा दोस्तों, मतलब मैं शायद एक ऐसा टीचर हूं जिसने पियाजे को लगभग 500 बार पढ़ाया है, 500 बार से ज्यादा ही पढ़ाया होगा दोस्तों। मतलब बात को अतिशयोक्ति में मत लीजिए, गुरु झूठ बोले, बहुत सारे लोग हैं जानते हैं, पता नहीं कितने बैचेज में से मैं पढ़ा चुका हूं। और दोस्तों व्हेनेवर आई टीच पियाजे अगेन, बिलीव मी आई फील समथिंग न्यू, और दोस्तों मैं वही एनर्जी फिर महसूस करता हूं। क्या एक बच्चे का यह कहना कि कुत्ते के भौंकने के कारण पंखा चलने लगता है, पियाजे के अनुसार यह क्या है। प्रतीकात्मक खेल, जीववाद, कृत्रिमता, पारगमनात्मक चिंतन। और दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है, यहां गुरु जी बताया हुआ है, ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूं, कुत्ते के भौंकने से पंखा नहीं चलता। अब हुआ क्या, हर बच्चे की दोस्तों यही फिलॉसफी है, हम आप सब दोस्तों क्या, अब हुआ क्या, लाइट कटी थी भाई, लाइट कट गई थी, ओके, अब बिजली भाई थी नहीं, अचानक भैया आ गई, भैया लाइट आई, पंखवा पहले से चल रहा था, लाइटिया आई, पंखवा चलने लगा, उसी दौरान टॉमी कुत्ता भौंका, बच्चा मम्मी मैं डान गया, पंखा तब चलता है। मम्मी से, अरे बेचारा मेरा बेटा बड़ा बुद्धि, बटा बेटा डम टॉमी भौंकता है तभी पंखा डलता है, यह कहलाता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं, यस करें बिल्कुल सही, तार्किक चिंतन। अगर आप पारगम, इसलिए इंग्लिश वर्ड को पकड़िए, ट्रांजिटरी थिंकिंग। क्या गांव की भाषा में कहते हैं, कहां की बात कहां जोड़ रहे हैं यार, गांव में बोलते हैं अरे यार तुम फालतू बोल रहे हो यार, हम बात कुछ और कर रहे हैं, तुम कुछ और कर रहे हो। क्या बच्चे द्वारा दो ऐसी वस्तुओं या घटनाओं में संबंध जोड़ना जिसमें तार्किक रूप से ससुरा कोई संबंध ही नहीं है, इसे हम कहते हैं अतार्किक चिंतन। क्या बच्चे द्वारा, अगर भैया आलू और भिंडी एक ही में पापा लाए हैं, पॉलिथीन में आलू भिंडी, मम्मी जैसे मैं और दीदी है, मैं समझ गया मम्मी, क्या मम्मी मैं समझ गया भिंडी आलू का भाई है मम्मी, यह कहलाता है क्या पारगमनात्मक। क्या बच्चे द्वारा दो ऐसी वस्तुओं या घटनाओं में संबंध जोड़ना, बार बार दोहरा रहा हूं, जिसमें दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पारगमनात्मक चिंतन बोलेंगे। इसके गुरुदेव समझ गए हैं और आगे चले दोस्तों, क्या नेक्स्ट पॉइंट, क्या कह रहा है एक बच्चे का दोस्तों, हाँ एक बच्चे का दोस्तों, मैंने आपको ये सब बहुत डीप में पढ़ाया हुआ, मैं चाहूंगा कि आप इसको एकदम बिंदास अंदाज में बताएं। क्या एक बच्चे का एटीएम कार्ड लेकर उसे फोन समझकर बातें करना निम्न में से पियाजे के अनुसार क्या होगा। प्रतीकात्मक खेल, जीववाद, कृत्रिमता, पारगमनात्मक चिंता। दोस्तों मेरा मोटो दोस्तों सिर्फ एक, आप इसे जाने, यहां प्रश्न पूछना मेरा मोटो नहीं है, दोस्तों मैं तो देख ही रहा हूं इतना तकनीक गाइस। एक दिन अभी मैं ऑफलाइन क्लास, दो दिन पहले पढ़ा था, मैं ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों को बोला कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पियाजे का पूरा सिद्धांत गलत हो जाएगा। तो बोले गुरुजी ऐसे कैसे, कि दोस्तों टेक्नोलॉजी, अब आपको मैं बताऊंगा जो आप आश्चर्यचकित मानोगे, टेक्नोलॉजी पियाजे के चरणों को घटा रही है। कैसे समझो, आज 4 साल का बच्चा मोबाइल फोन के बारे में इतना जानता है जितना हम तुम 17, 18, 20 साल में भी नहीं जानते थे। तो क्या कर रहा है वो, 3 साल में जो तुम मैं, यस करे गुरुदेव हम समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हो, जो मैं तुम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखते थे, वो बच्चा दोस्तों पूर्व में सीख रहा है। ऐसा ही एक वर्ड है दोस्तों, सभी को बताया हुआ है, यस गाइस उत्तर पहले से आने शुरू हो गए हैं, इसे बोलता है दोस्तों क्या, बिल्कुल सही, क्या प्रतीकात्मक खेल गाइस। जब दोस्तों आजकल बाप गाइस, जब पियाजे ने इसे बताया है 2 से 7 में, किसमें बताया मेरे बच्चों, प्रतीकात्मक खेल को पियाजे ने दोस्तों 2 से 7 में बताया है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बेटी अब दोस्तों दे दे क्या, मेरा एटीएम कार्ड या मेरा जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड, उसको लेकर
हेनो पप्पा हेनो पप्पा हेनो, उसको एटीएम कार्डवा को फोन समझ के बात करती है। यह प्रतीकात्मक खेल है, खूब बताया है क्या, खेलने के दौरान बच्चे का एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझकर खेलना प्रतीकात्मक खेल कहलाता है। जैसे दोस्तों क्या, बच्चा याद कर बचपन में हम लोग बंदूक की, लकड़ी का बंदूक, हट जाओ रेली मार दूंगा, टायर वाला आपको बता ही चुका हूं, पीछे से टायर वाला, हट जाओ मेरा ट्रक आ गया, मेरा बस आ गया, यह कहलाता है दोस्तों प्रतीकात्मक खेल। यस करें। और दोस्तों वो लाठी इस तरह से, हट जाओ पी 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 पी, मेरा भालू आ गया, मेरी गाड़ी आ गई, हट जाओ मम्मी बगल हो जाओ पी 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 पी, यह कहलाता है दोस्तों क्या, प्रतीकात्मक खेल। यस करें। क्या, खेल कूद के दौरान बच्चे द्वारा एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना, यह कहलाता है मेरे बच्चों का ऐसा खेल प्रतीकात्मक खेल। यस करें गुरुदेव, क्लियर है? और फिर दोस्तों हम आगे चलेंगे, आइए नेक्स्ट अगला। कह रहा है अंग्रेजी, दोस्तों दोबारा उसको खूब इसको याद करवा दे रहा हूं, क्या अंग्रेजी के वर्ड पी को, वर्ड दोस्तों यहां पर लेटर होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए था दोस्तों, अंग्रेजी के वर्ड दोस्तों होना चाहिए था पी, वर्ण पी को बी बना देने के बाद बच्चे का वापस पी न बना पाना पियाजे के सिद्धांत में क्या माना जाएगा। दोस्तों वैसे मैं तो बहुत बार देख चुका हूं, जीववाद, आत्म केंद्रीयता, अविलोमीयता, संरक्षण, दोस्तों यहां पे दोस्तों बिल्कुल सही है, ऐसा ही बिल्कुल सही आएगी। सो बहुत ही दोस्तों धुआंधार क्वेश्चन सीरीज में दोस्तों कुछ बहुत ही, इससे आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप बोले हाँ गुरु जी, इसमें दोस्तों मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैक्सिमम इनपुट दिया जाए। नन कर दें, हाँ सर क्लियर है, आयोग बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल, हाँ आयोग इसके, हाँ सर क्लियर है बिल्कुल, हमने दोस्तों मैक्सिमम, हाँ अब जरा सोचिएगा इसका, जीववाद, आत्मकेंद्रिता, अविलोमीयता, संरक्षण, नॉर्मल भाषा में समझिए। अब दोस्तों क्या है, मैंने ही आपको बोला था कि एक बार, मैं तो दोस्तों बहुत बार ट्राई मार चुका हूं, एक बार आप ट्राई मारो दोस्तों। होता क्या है, पुराना वाला उदाहरण देखिए, क्या जैसे आपने बच्चे को बोला बेटा तीन में दो जोड़, तो तीन में दो जोड़ा, भैया सोचिए क्यों होता है दोस्तों, उदाहरण तक क्लास बन चुका है, हजारों लोग अब इस उदाहरण को यूज कर रहे हैं, देखिएगा। सो होता क्या था, हम खोपचे में जोड़ते थे लोग, खोपचे, प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, आज आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा हुआ। पियाजे ने कहा बच्चा गधा नहीं है, उत्तर बिल्कुल सही लाया भाई, उत्तर लाया पांच, बेवकूफ नहीं, पांचों ऐसे खोपचे में खींच के लाया पांच। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, क्या है प्रॉब्लम, बच्चे को लगता है तीन और दो ही तो मिलकर भी पांच बन गए, जो कि बन गए वहां पर देख रहे हैं, तो उसको लगता है दोस्तों एक बार तीन और दो मिल गए और पांच बन गए तो खत्म हो गए तीन और दो, अब उन पे वापस नहीं पहुंच सकते। और इसे दोस्तों वापस न जा पाना क्या है, अविलोमीयता है। अगर दोस्तों मैं आपसे टेक्निकली पूछूं, जरा मैं अगर आप सोचो मैं आपसे टेक्निकली पूछूं ऐसा क्यों होता है, सोचिए जरा ऐसा क्यों होता है, तो आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि यहां उसने पांच लाइन, अगर वो ग्रुपिंग कर पाता, देखिए दो और दोस्तों जैसे हम लोग बाद में खंडन विभाजित कैसे, यहां से दो और तीन को अलग अलग कर लेता तो वापस पहुंच जाता, पर उसने पांचों लाइनें एक साथ खींची है इसलिए वो वापस नहीं जा पाता। तो स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों क्या, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तीन और दो, स्टार्टिंग पॉइंट से आगे पांच पर चले जाने पर वापस न लौट आ पाना, इससे अनुत्क्रमणशीलता, मैंने वो आपको लेक्चर में समझाया हुआ है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर, कर क्या कह रहा है, एक बच्ची का, नॉर्मल भाषा में देखे क्या, एक बच्ची का सात पत्थरों के टुकड़ों को पहले वृत्ताकार रखना, सो सी टाइप का क्वेश्चन है, फिर त्रिभुजाकार रखना और अंत में हर बार, सॉरी अंत में वर्गाकार रखकर हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि पत्थरों का संख्या सात ही रहती है, पियाजे के अनुसार क्या है, जीववाद, आत्मकेंद्रियता, अविलोमीयता, संरक्षण। मुझे दोस्तों पूरा यकीन है, मैंने आपको दोस्तों जो समझाया है उस हिसाब से आप इसका उत्तर दोस्तों घटाक से सेकंडों में उत्तर देने की आप स्थिति में आ गए हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप जरूर बताएं कि हाँ गुरुजी हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं और हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में है उत्तर देने के, मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों। हाँ आई इसका यहां सर क्लियर है, डन। अब दोस्तों धीरे धीरे, क्योंकि आप वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चन ले चुका हूं, तो भैया आप खुद ही समझ चुके दोस्तों, जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे बनाया गया है ताकि आपको संकेत मिलता रहे, प्रश्न पूछना, बार बार बता रहा हूं, ज्ञान बांटना, प्रश्न पूछना, आपको चेक करना इज नॉट द टारगेट ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का उद्देश्य आपको चेक करना नहीं है। और आप खुद समझ गए, तो सब आपको समझ गए क्या, जीववाद होगा नहीं, बिल्कुल सो हम समझ गए क्या, जीववाद होगा नहीं, आत्मकेंद्रियता होगी नहीं, दिनकरी जी से क्लियर है, और ना ही होगा भैया क्या, अविलोमीयता। तो यही दोस्तों जरा सोचिए कैसे पकड़ा आपने,
हमने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा है। इसके बाद पीछे समझ गए क्या, हमने ऊर्जा का संरक्षण क्या पढ़ा है कि भैया ऊर्जा को नाश नहीं किया जा सकता, ब्रह्मांड की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ऊर्जा की अवस्था बदल देने से ऊर्जा का नाश नहीं होता। यही बात यहां पे लागू होती है क्या, अब तुम चाहे त्रिभुजाकार रखो। यस, तो मैंने आपको पहले बोला कि संरक्षण को सिर्फ आकृति में बताया है उन्होंने, भैया त्रिभुजाकार आकृति है, वर्गाकार आकृति है, वृत्ताकार आकृति है, अरे भैया पत्थरवा चाहे जिस आकृति में रखो, ये बच्ची बाद में समझ पाती है कि चाहे जिस आकृति में रखूं, सीधी रेखा में रखूं, टेढ़ी रेखा में रखूं, पत्थरवा की संख्या थोड़ी ना बढ़ जाएगी, पत्थर सेम का सेम रहेगा, इसे संख्या, क्या संख्या का संरक्षण कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, सभी लोग समझ गए हैं। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क, इज इट क्लियर है। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कर क्या कह रहा है एक बच्ची, दोस्तों देखिए क्या, एक बच्ची का अपने खिलौने के भालू को, देखा यहां पे आपको उसको एज गेस करना है, तो हमने उसको पढ़ा हुआ है, मैंने आपको उसको याद करिए पिछले लेक्चर में बताया था। चाहो ये दोस्तों सबसे बड़ी ट्रिक मैं आपको पास कर रहा हूं, जो मैं अपने प्रैक्टिस में हमेशा बताता हूं, फिर सुनेगा कैसे गेस करेंगे, रियल लाइफ में उतरो, रियल लाइफ में उतरो। अब आज दोस्तों आपको बताता हूं कैसे कैसे, जैसे सोचिए कैसे आज आपको दोस्तों, और इस प्रश्न के लिए जितने लोग इस वीडियो को दोस्तों देख रहे हैं, जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, वो सब दोस्तों कमेंट करिए कि गुरुजी ये बहुत तगड़ी आपने ट्रिक बताई क्या। चलिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं दोस्तों, फिर आते हैं क्या, इसमें आपको अवस्था बतानी है क्या। कह रहा एक बच्ची का अपने खिलौने के भालू को चाय पिलाना पियाजे के अनुसार किस उम्र में आएगा, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। अब जरा सोचिए गाइस, खुद दिमाग लगाइए आपके अनुसार क्या है। अभी मैं आपको ट्रिक दूंगा, वैसे मैं आगे सारे क्वेश्चंस पे ट्रिक दूंगा, और आपको मानना पड़ेगा कि जी आपकी सारी ट्रिक एकदम तगड़ी काम कर रही है। एक बार ट्राई करिए, एक बार आप हम दोनों लोग ट्राई करते हैं इसको। आइए, अब आइए दोस्तों, वैसे दोस्तों बहुत सारे लोग इसे जानते हैं उम्र वाइज, ये शब्द नहीं जानते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों 2 से 7। प्रश्न है कैसे, अगर जान लो गाइज, ये तो हम जानते हैं, मैंने ही बहुत बार लिया है, अभी पिछले सेशन में भी लिया है। गेस करो दोस्तों तब क्या हो जब आप इसकी उम्र न जानते हो, हाउ टू गेस द, दोस्तों क्या या उम्र या अवस्था जिसे पूर्व में मूर्त में, तो आइए आपको गेस करना बताता हूं। आपके दिमाग में दोस्तों जीववाद, जीववाद है, आता है 2 से 7 में। अब आपको दोस्तों बच्चा इसे 0 से 2 में भी करता मिलेगा। अब आप कहो गुरु जी कैसे पता चलेगा, तो 0 से 2, ध्यान से सुनो डार्लिंग्स मेरी बात को, 0 से 2 में तुम 2 क्यों देख रहे हो, 0 भी तो देखोगे कि अजूबे पैदा हुआ बच्चा अजूबे दिखाएगा जीववाद। इसलिए दोस्तों हमेशा लोअर लिमिट को नहीं, अपर को ही नहीं, लोअर 0 में कोई बच्चा ही काम नहीं करेगा, क्योंकि आप 2 तो देख रहे हो, 0 कौन देखेगा, अर्थात इसमें कतई पॉसिबल नहीं है। और 7 से 11 में बच्चा समझ जाता है कि खिलौना है ससुर, चाय नहीं पिएगा, अर्थात यस करो गुरु जी, बहुत तगड़ी ट्रिक आपने बता दी, यह आएगा 2 से 7 में। इस ट्रिक के लिए दोस्तों मुझे बताइएगा, फिर सुनिए रियल लाइफ में इमेजिन करिए, जैसे मैंने आपको बोला इमेजिन करिए कि लगभग किस उम्र में यह चीज होती होगी, तब आप दोस्तों बेहतर समझ पाएंगे कि कैसे काम करता है। डन करें, यहां से क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है एक बच्चे का, देखिए क्या एक बच्चे का यह कहना, दोस्तों मैंने अभी आपको उससे कवर किया है क्या, और दोस्तों हो सके तो मुझे शब्द भी बताइएगा, यहां से थोड़ा मैंने चेंज कर दिया गाइस, इधर से मैंने अवस्थाएं ले ली है क्या। एक बच्चे का यह कहना कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं, पियाजे के अनुसार किस चरण में आएगा, संवेदी पेशी में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, अमूर्त संक्रियात्मक में, गेस करिए। मैंने दोस्तों आपको यही बोला लॉजिक, मैंने दोस्तों इतनी बड़ी ट्रिक आपको पास कर दी कि आप खुद ही उत्तर बता लोगे, अगर दोस्तों आप इस वर्ड को बता पाओ, कई लोग दोस्तों जानते हैं ये क्या है, दोस्तों इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। हाँ, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप उत्तर देते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। डन करें। आइए अब दोस्तों गेस करिए, हम में से मैं, अब आप गेस करो दोस्तों, 0 से 2 में तुम ये बात बता नहीं पाओगे, मम्मी का पैदा होते ही बोलोगे क्या, मैंने बोला लोअर लिमिट को भी देखो। अच्छा ये 2 साल में जरा बताइए भैया, 2 साल में कौन, अच्छा धूप से सूखा है, 2 साल में कोई बता पाएगा, तो ना तो बिल्कुल सही, यस करें गुरु जी, बहुत तगड़ी ट्रिक आपने पास कर दिया, यह तार्किक चिंतन है, तार्किक चिंतन। 2 साल का बच्चा इसी बात करता है, तो सोचो 2 से 7 में 3 साल का, मम्मी बताऊं आज मैं रास्ते में कुत्ते को उड़ते हुए देखा था, मम्मी कुत्ता उड़ रहा था। अगर इसके अंदर तार्किक चिंतन होता
तो यार तुम बताओ, कुत्ते को उड़ता है, कुत्ता उड़ता है बातें क्यों कहता, जरा बताओ क्यों कहता है, यस करो, हां सर समझ गए हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, सही उत्तर है दोस्तों क्या, सही उत्तर है क्या, ओके नन करें, हां सर क्लियर है, ओके सही उत्तर है दोस्तों, यस करें। और इसे बोलते हैं गाइस क्या, कार्य कारण संबंध, क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं कार्य कारण संबंध। साइंस भूत प्रेत चुड़ैल नहीं मानता, अंधविश्वास, मंदिर में 12 बजे रात को दिया जलने लगा, आज भी इस मंदिर में पूजा करने आता है सुस्थामा, झूठा मूठा यूट्यूब पे वीडियो फेंकना, साइंस इसे नहीं मानता दोस्तों। साइंस मानता है अगर कोई कार्य हुआ है तो विज्ञान में उसका कोई ना कोई कारण होगा। और यहां दोस्तों धूप सूखना, माफ करें दोस्तों, कपड़े सूखना क्या है, कार्य है, जबकि धूप उसका कारण है। यह बालक में तार्किक चिंतन का उभरना है जो आता है 7 to 11, चाहे जितना दिमाग लगा लो, मैं इतनी व्याख्या क्यों दे रहा हूं, चाहो तो आज शाम को विचार करो, अगर तुम्हें कहीं ये गलत मिल जाए तो तुम मुझे बोलना गुरुजी आप गलत बताए हो, आप गलत पढ़ा दिए हो गुरुजी। ओके नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला नेक्स्ट शुक्र क्या कह रहा है, 12 महीने उम्र से ही अंदाजा लगाओ, कह रहा है 12 महीने की रुचिका का बैग नीचे रखा, टिफिन बॉक्स दोस्तों क्या, 12 महीने की रुचिका का बैग के नीचे रखा टिफिन बॉक्स ढूंढ लेना पियाजे के अनुसार क्या है, परावर्ती क्रिया, वस्तु स्थायित्व, वर्गीकरण, कार्य कारण संबंध। दोस्तों खुद दिमाग लगाइए, देखिए अब यहां पर दोस्तों अवस्था तो बताना नहीं, क्योंकि 12 जब बता रहा था आप समझ गए संवेदी पेशी अवस्था है, अब आपको वर्ड बताना। सो ये भी आपने देखा होगा सीटीटी में ए वाला वर्ड भी बहुत बार आया हुआ है, तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप एकदम धुआंधार उत्तर दें, आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। सो रोज आप यकीन करिए दोस्तों, मैं पियाजी तो नहीं हूं पर अपनी बेटी के साथ मैंने काफी अध्ययन दोस्तों किया और ये वाला अध्ययन भी मैंने किया और सभी लोग जानते हैं, उसको खूब बताया क्या बच्चा दोस्तों जानता है, बच्चा सोची गाइस हम तो, अरे भैया नन्हा सा गधा बच्चा, मैंने आपको दोस्तों क्या बोला, आपने महान क्रो एंड क्रो का वो कथन सुना होगा, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी, आज उसका अर्थ बताऊं इसका मतलब क्या है दोस्तों। पियाजे बाइगोस्की लोगों के मार्केट में आने से पहले लोग, अरे बच्चा छोटा बच्चा है, गधा है, अभी बुद्धि नहीं है, उनको लगता है छोटा बच्चा दिमाग से खाली है। पियाजे बाइगोस्की लोगों ने इतना अध्ययन किया कोहलबर्ग ने कि लोगों को लगा कि यार बच्चा उतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं, इसलिए 20वीं शताब्दी में बच्चों पे सबसे ज्यादा अध्ययन होने के कारण इसे कहते हैं क्या, 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहते हैं। यस करें गुरुदेव हम समझ गए, डन करें। अब दोस्तों एक बात करिए गाइस, आपको लगता है बच्चा बेवकूफ है, इतना तेजी से बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, सोचिए गाइस क्या, अब 12 महीने तो सो बहुत, पियाजे के अनुसार 9 महीने में आ जाता है, मतलब 9 महीने के बच्चे में, गर्भ की अवस्था नहीं कर रहा हूं, पैदा होने के बाद के 9वां महीना सोची। अब सो क्या है, बच्चा देख रहा है, सोच रहा है भूख लगी है, माताजी गायब है, कोई व्यवस्था है नहीं, वो दोस्तों इतना चालाक है बच्चे, वो जानता है मम्मी हमार दिख नहीं रही है पर यही कहीं रसोइये में, कहीं बगल में, छत पर कहीं होगी, रोने लगता है, जानता है कि जब मैं रोऊंगा तो या मैं रोऊंगी मम्मी प्रकट होंगे, मम्मी तुरंत ही दौड़ के आती हैं। यह दोस्तों सभी लोग गाइस, बस मैं आपको समझा रहा था, उत्तर दोस्तों हम सबको मालूम है क्या, वस्तु स्थायित्व है क्या, भले ही कोई वस्तु आंखों से ओझल हो जाती है पर उसका अस्तित्व नहीं खत्म होता, वो बनी रहती है। मैंने दोस्तों आपको क्या बोला, जैसे मैं कभी शाम को जाता हूं, जैसे कोई चेंज है मेरे पॉकेट में, मान लीजिए सुबह कपड़ा साफ होते वक्त वॉशिंग मशीन में चला जाए, 10-20 रुपए मान लो पड़े, मैंने वाइफ को पकड़ा दिया, जैसे दे रहा हूं तो मेरी बिटिया बीचवा में से हाथ डाल के पैसों पकड़ना चाहती है, तो मैं कभी कभी चुरा के कोई फाड़ न डाले, मैंने तकिया के नीचे रख दिया, तो उन तकिया सरका के नोटवा निकाल लेती है। यह क्या है, यह वस्तु स्थायित्व, जानती है दिखता नहीं है पर तकिया के नीचे है। और उसको उम्र तो आप समझ ही गए हैं कौन सी अवस्था में आएगा, डन कर गुरु जी के लिए है, फिर आगे चलेंगे। आइए अगला, कह रहा है 10 वर्षीय, सो क्या आई अगला, यस करे गुरु जी समझ गए, हमारे ख्याल से बहुत ही बढ़िया हो गया क्या। 10 वर्षीय छात्र का एक कैंडी खरीदते समय इसके मूल्य पर, इसकी गुणवत्ता पर तथा इसकी वजन आदि पर विचार करना निम्न में से क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, जीववाद, परावर्ती क्रिया। मेरे ख्याल से तो इसको हम लोग दोनों ही लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं, डन करें गुरुदेव क्लियर है। ओके यस, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से दोस्तों क्लियर हो गया। यस यस करें।
यस ओके, दिमाग लगाइए एक बार, सोचिएगा जरा, सोचिए तो सही। यस अब उसको जरा सोचिए, अभी हमने भाई सिंपल सी बात है, केंद्रीकरण का पढ़ा भैया, याद करिए दोस्तों, केंद्रीकरण क्या है? जब हम 3-4 साल के थे, कोई जैसे हमको नोट देता था 1 रुपए का और 5 रुपए का सिक्का, कौन लोगे, हम नोटिया पकड़ते थे, क्योंकि हमको क्या लगता था जो लंबा है नोट उसका वैल्यू ज्यादा होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है क्या। अभी हमको 1 रुपए का नोट, 5, हमको लगता है 1 रुपए का नोटवा ज्यादा वैल्यू है, इसलिए हम नोटवा पकड़ते, सिक्कवा नहीं पकड़ते। केंद्रीकरण है एक समय में किसी घटना या वस्तु के एक ही पक्ष पर फोकस करना। अभी ससुरा चलाक हो गया है, अंटल ऐसा बेटा लंबी वाली कैंडी तो नहीं, अंटल छोटी वाली लीजिए, लंबी तो है पर टेस्टी नहीं है। अब एक साथ दोस्तों, एक साथ बर्तन पीछे करो, जब बर्तन की सिर्फ लंबाई देख रहा था तो केंद्रीकरण है, चौड़ाई गहराई सब देख रहा है, सो द राइट आंसर इज गोइंग टू विकेंद्रीकरण। क्या? एक समय में घटना या वस्तु के कई बिंदुओं पर फोकस करना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसका गुरुदेव समझ गए हैं। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कर, क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार वस्तुओं को कहे गए क्रम में, दोस्तों अभी पे दोस्तों लगाइएगा, फिर से रियल लाइफ में उतरो। ये पियाजे का सबसे बड़ा ट्रिक है, गेस करो कि लगभग किस अवस्था में आता होगा, गेस करो। क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता बच्चा किस अवस्था में पा लेता है? अब आपको सो यहां पे खुद दिमाग लगाइएगा, आपको उत्तर अपने आप आएगा कि ये पूर्व में आएगा या मूर्त में आएगा। क्या? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, गेस करिए। आपको सो इसके लिए मेरी जरूरत नहीं है, इवन यू डोंट नीड पियाजे, आपको पियाजे की जरूरत नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस, या कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, और मैं चाहता हूं आप यहां पर कॉमन सेंस दिखाओ। गेस करिए तो अभी आप खुद 2 मिनट बाद कहोगे हां सर बढ़िया काम करता है। मैंने क्या बोला? किसी अवस्था के, वेन एवर आप उत्तर देते हो एक अवस्था का, तो उसके सिर्फ अपर लिमिट को मत देखो, उसके लोअर लिमिट को भी देखिए। अब आपको खुद उत्तर आएगा। यस दोस्तों, हम लोग समझ गए, पढ़ाया ये दोस्तों ऑफलाइन में बहुत लोगों को पढ़ाया, और सही उत्तर दोस्तों क्या है? यस, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अब दोस्तों पूछो कैसे, चलो एक बार मुझसे पूछो, खुद याद करो तुम पढ़ के आए हो, क्या तुमने कक्षा 1 में क्रम पढ़ा? हम में से किसी भी बंदे ने हमने तुमने क्रम कब पढ़ा? आरोही क्रम पढ़ा, या तो कक्षा 4 में पढ़े हो या तो कक्षा 3 में पढ़े हो। कोई भैया 7 साल में क्रम नहीं पढ़ा है, अर्थात अगर तुम 2 से 7 उत्तर दे रहे हो तो यस करो। गुरु जी की बहुत बढ़िया ट्रिक है, खुद जीवन में उतरो कि इस उम्र में भला बच्चा ये करता होगा या नहीं करता होगा। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। यस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पर कर, क्या कह रहा है? निम्न में से, नॉर्मल भाषा में क्या कह रहा है? निम्न में से किस अवस्था में बच्चे, फिर से देखिएगा इसे फिर से दोस्तों, मुझे यकीन है कि लास्ट के 4-5 क्वेश्चन मील के पत्थर बनने जा रहे हैं। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे का वस्तुओं को अलग अलग समूह में वर्गीकृत करना आएगा? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त। दोस्तों वर्गीकृत करना तो मतलब कहने का अर्थ है, अगर आम भाषा में कहूं तो वर्गीकरण की क्षमता, क्लासिफाई करना है, लेट्स कॉल इट क्लासिफिकेशन। यस वेरी गुड, देयर क्लियर है। कह रहा है निम्न में से किस अवस्था में, क्या निम्न में से किस अवस्था में बच्चे का वस्तुओं को अलग अलग क्रम में ढालना आएगा? ये कह रहा है, नन करे सॉरी अलग 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 ग्रुप में रखना आएगा। अब दोस्तों फिर से सोचिए, खुद उसको दिमाग लगाइए, अलग वर्गीकरण करना किस ग्रुप में आएगा, बताइए किस एज में आएगा। अब जरा सोचो यार, फिर से वही देखो। यस गॉट इट, हम लोग समझ गए भैया। मुझे बताओ 0 से 2 में तुम क्या वस्तु को बता पाओगे? 2 से 7 में 7 मत देखो, फिर बोलो 2 को भी देखो। 2 वर्ष में बच्चा रंग तक सही से, दोस्तों आपको बता दे, लगभग 3-4 साल में बच्चे सारे रंग पहचान पाते हैं। कुछ बच्चे दोस्तों 5 साल बाद सारे रंग पहचान पाते हैं। तो जरा तुम ही बताओ, जब तुम रंग कुत्ते बिल्ली की आवाज में अंतर कर ही नहीं पा रहे हो, तुम क्लासीफाई कहां से करोगे? अर्थात यस करे गुरु जी, अब हम समझ गए हैं, चाहे जैसे लगाएंगे द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। यस करे, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से देखिए, क्या इनमें से कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन सी
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं, लॉजिक के साथ उत्तर दीजिएगा, लगे कि इस उत्तर में लॉजिक भी है, ऐसा लगे कि कोरा उत्तर है। जीववाद वर्गीकरण तार्किक चिंतन विलोमीयता। आई निम्न में से कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, डन करें। आइए अब सो तीन चार तो हम खुद ही बता दिए, अब हम तुम रोल रो तो मोटा मोटा समझ गए, इसके बाद गुरु जी समझ गए भाई, फिर से चलो आओ से, अभी हमने ही दोस्तों समझ लिया, पीछे आपने पढ़ा भैया वर्गीकरण आपने कब पढ़ा, 7 से 11 अर्थात मूर्त में आएगा या आपका उत्तर होगा नहीं। और तार्किक चिंतन भैया पहले क्या कह रहा था 2 से 7 में, मैंने ही तुम्हें बताया प्रश्न खुद ही अगले प्रश्न का, एक प्रश्न दोस्तों प्रश्न का उत्तर उत्तर नहीं है, वन क्वेश्चन माइट बी आंसर ऑफ अनदर क्वेश्चन, एक प्रश्न दूसरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है। अभी आपने जीरो क्या पढ़ा 2 से 7 में क्या कह रहा था, मम्मी भिंडी आलूटा भाई है, भैया तुम भी जानते हो उसकी बातों में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर क्या बोला इधर, मम्मी मैं समझ गया टॉमी भौंका था इसीलिए पंखा चल रहा है, बताओ टॉमी के भौंकने का पंखा चलने से क्या लेना देना है यार। दोस्तों अब आप खुद समझो, जब अब आप दिमाग लगाओ तो खुद ही समझ गए होंगे। तो भैया जब वर्गीकरण 7 से 11 में आएगा, दिमाग लगाइए, तार्किक चिंतन कब आएगा 7 से 11 में, विलोमीयता भैया 3 से 5 जोड़ दिया 3 2 5 वापस जा नहीं पा रहे हैं, अविलोमीयता 2 से 7 मार ही, इसका मतलब विलोमीयता 7 से 11 में आएगी, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी द सुजीववाद। भाई 7 से 11 में हर बच्चा जानता है, नहीं यार हम बेवकूफ थे क्या यार जो कुत्ता को जीवित समझ के इसको पीट रहे थे, अर्थात 7 से 11 में जीववाद खत्म हो जाएगा, इसका मतलब जीववाद 2 से 7 में आएगा, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आएगा, इसका गुरु जी समझ गए हैं, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, सही उत्तर है दोस्तों क्या, जीववाद। इसके फिर से दोस्तों देखिएगा एक बार और सुनिएगा, आगे जाकर जीववाद खत्म हो जाएगा, पूछो ना कैसे कैसे है जरा सोचो, पहले किनारे एक बच्ची, मम्मी थोड़ा चावल दे दो मेरी डोड़िया भूखी है, गुड़िया को चावल खिला रही भैया, निर्जीव जी को जीवित समझना जीववाद है। अब यही बच्ची जब 10 साल की होती है तो अपनी गुड़िया को देखा अरे यार हम पगलेटे थे का यार, गुड़िया को चावल फालतू खिला रहे थे, कपड़े की गुड़िया है ये क्या खाना खाएगी, अर्थात 7 से 11 में बच्चा सब क्या है, कुत्ते को लेकर पापा के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, पापा हट जाओ मेरा टुट्टा आपको टाट लेगा है खिलौने वाला कुत्ता। अब आज क्या देखा उसको तब समझ में आया, या भाई यार देखा एक आदमी को असली कुत्ते ने, अभी 7-8 साल का हो गया है, एक आदमी को असली कुत्ते ने दौड़ा के काट लिया, तब ही गया अपने खिलौने वाले कुत्तवा को यूं टच कर है। समझ गया कि हम बहुत बड़े मूर्ख थे जो खिलौनों को पापा कटा रहे थे, निर्जीव कुत्ता है यह कहलाता है। तो खत्म हो गया 7 साल में, मैं बार बार उदाहरण देकर सिद्ध कर रहा हूं, खत्म हो गया 7 साल में क्या जीववाद, इसके गुरु जी क्लियर है। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, कर क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी दोस्तों, मैंने आपको सिर्फ एज गेस करवाना है, सेशन दोस्तों मील का पत्थर है, इसको 6-7 राउंड देखिएगा, अगर जो शब्द आपने नहीं देखे इस सेशन में इवन आप उस शब्द की उम्र गेस कर पाएंगे, यकीन करिए, मतलब ये एक ऐसा सेशन है जो आपको बाकी दोस्तों क्या बाकी अवस्थाओं या बाकी शब्दों की उम्र आपको गेस करवाएगा कि ये शब्द लगभग किस अवस्था में आएंगे। चलिए एक बार देखते हैं क्या, इनमें से कौन सी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था की सीमा नहीं, सॉरी विशेषता नहीं है, जीववाद आत्मकेंद्रितता प्रतीकात्मक खेल वस्तुस्थायित्व। अब इसको हम लोग खुद ही देख रहे हैं, मैंने इसको आपको एक दिन जिसको इसको याद रखे क्या, पियाजे को गलत भी नहीं लिखा जा सकता, पियाजे को गलत भी नहीं लिखा जा सकता है, पियाजे को गलत भी नहीं लिखा जा सकता है, पियाजे के सारे शब्द उम्र में बंधे हैं, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि पियाजे के चरणों का क्रम नहीं बदला जा सकता, क्यों, क्योंकि चरणों का क्रम बदल दोगे तो उम्र ही गलत नहीं हो जाएगी, इसके लिए हाँ गुरु जी समझ गए हाँ। सो समझ गए हैं भैया, जीववाद पढ़ चुके हैं भैया, पूर्ण संक्रियात्मक मेरा टुट्टा टाट लेगा, आत्मकेंद्रितता 3 साल का, खुद ही बताओ 3 साल की उम्र क्या तुम 7 साल में पापा से ऋषि आने वाले हो, 3 साल में लगे, नहीं नहीं मुझे डलेवी चाहिए पापा बेटा भाई, नहीं मुझे डलेवी अडवी चाहिए, यस दोस्तों आत्मकेंद्रितता यस 2 से 7 प्रतीकात्मक खेल बताया ना अभी मैंने भैया, झाड़ू लेके झाड़ू के ऊपर हट जाओ मेरी गाड़ी पी 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 पी, क्या तुम 11 साल में करोगे, क्या तुम 11 साल में समझ नहीं जाओगे, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी दोस्तों वस्तुस्थायित्व, दोस्तों वस्तु स्थायित्व आ जाएगा, हमने ही अभी पढ़ा 0 से 2 में, बच्चा 0 से 2 दोस्तों 2 साल तक, सोचिएगा इतना तेज,
इसीलिए इसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इतना तेज बच्चे का दोस्तों, इतना तेज बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है कि बच्चा दोस्तों 11 साल तक कुछ ज्यादा एडवांस हो जाता है, सोचिए। और 2 साल तक का बच्चा, सोचिए गाइज, फैमिली मेंबर्स को पहचानने लगता, सोचिए, स्मृति संवेदन के साथ टेस्ट ठंडा गर्म पहचानने लगता, सोचिए कितना तेज। सोरेन सर ने कहा है ना कि बच्चा जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है ना तो असामाजिक होता है। दोस्तों सोरेनसन का एक कथन मुझे याद आ गया, क्या, कि जन्म के समय एक बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना तो असामाजिक होता है, लेकिन ज्यादा देर तक वह ऐसा नहीं रहता। मतलब तीव्र समाजीकरण, तीव्र लर्निंग, सो मतलब सैसवा अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या मैं हजारों कोटेशन आपको बताऊं लास्ट में, व्हाट्सएप ने क्या कहा है, सैसवा अवस्था में सीखने की गति और सीमा किसी भी अन्य अवस्था से ज्यादा होती है। गेसेल ने क्या कहा है, पहले 6 वर्ष में बच्चा अगले 12 वर्ष का दुगुना सीख लेता है। सो कितने बताऊं, वैलेंटाइन ने क्या कहा है, सैसवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है। अब आप सोचिएगा, इतने कोटेशन मैंने आपको बताया, तो आप इसको लिख भी लीजिएगा, दोबारा रिवाइंड करके अगर सुन ना पाए दोबारा सुनिएगा। सोचो इतना तेज जो बच्चा सीख रहा है, क्या तुम हमसे गधा कहेंगे, अरे जी छोटा बच्चा है, बेवकूफ है। बताएंगे दोस्तों कैसा लगा सेशन, उम्मीद करता हूं एकदम धुआंधार सेशन था है। बिल्कुल दोस्तों लगे रहिए दोस्तों, एक और सेशन लूंगा, एक मौका और मिला दोस्तों। पियाजे की टर्मिनोलॉजी पे आई एम गोइंग टू टेक वन मोर डिसाइसिव, एक निर्णायक सत्र दोस्तों मैं और लेने की कोशिश करूंगा। बने रहिए दोस्तों टारगेट और परिवार के साथ। ये दोस्तों अगले 3-4 दिन में दोस्तों बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप हम लोग उठाएंगे, फिर से मॉडल पेपर शुरू करेंगे, फिर से टॉप 50 टॉप 250, और अब धीरे धीरे दोस्तों मैराथन की तरफ मूव करेंगे। लव यू गाइज, कीप ऑन वॉचिंग टारगेट ऑन, देखते रहिए, बने रहिए टारगेट ऑन परिवार के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।